नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर अन्नू के शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व कमलनाथ ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को घेरते हुए कहा कि शिवराज सिंह जी ने पंचायत चुनाव में पार्षदों को खरीदने का हर संभव प्रयास किया, परंतु जनता भाजपा की झूठी फरेब की राजनीति को समझ चुकी है। भाजपा के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने लोगों को रोजगार देने के झूठे वादे किए थे, परंतु आज अस्पतालों, स्कूलों, अनेकों विभागों में कई वर्षों से पद रिक्त पड़े हैं। नगर निगम जबलपुर में 18 वर्षों से कब्जा जमाए हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू ने उखाड़ फेंका है। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। जिला परिषद के सदस्य उनको खरीदने का जिस तरह प्रशासन ने दबाव डालने का प्रयास किया, हमारे पार्षद के कहने पर दबाव डाल रहे हैं, पुलिस पहुंचा रहे हैं, घर में बिठा रहे हैं। हमने बहुत कम परसेंटेज से शुरू किया तो आज हमें तुलना करनी है कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुँचे, ये तुलना करते हैं। और अगले 14 महीने में हम कहाँ पहुँचे, बीजेपी के पास पूरा पुलिस पैसा प्रशासन करोड़ों रुपया खर्च किया, कलेक्टर से लेकर पंचायत से लेकर जवाब डालने की कोशिश, पर पैसे से वो वोट खरीद सकते हैं पर किसी का दिल दिमाग और आत्मा नहीं खरीद, वो बदला लेते हैं। मेरे पास तो सदस्य ने कहा कि हमें इतने पैसे मिले हैं, हम वोट तो होने देंगे पर हम कांग्रेस के साथ, हमारा फूल कांग्रेस का मजर आया दोनों में जा सकते हैं। ये शिवराज सिंह जी की नाटक नौटंकी से आज पूरे प्रदेश में जनता का पेट, हर वर्ग परेशान है। हमारा कृषि क्षेत्र में खाद की बात हो, बीज की बात हो, मूल्यों की बात हो, ये आज तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने। हमारी बेरोजगारी की बात हो, मुझे तो ताज्जुब होता है कि शिवराज सिंह जी को शर्म नहीं आती कि रोज उनका खाना नहीं हजम होता अगर वो झूठा हो। 1,00,000 नौजवानों को रोजगार दे, आपके पास 70,000 फंड तो खाली पड़े, कितने अस्पताल हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, कितने स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, कौन से ऐसे शासकीय पद हैं जो आपने भरे हैं। तो ये सब नाटक नौटंकी की आज आम आदमी समझ, बहुत अंतर है आज का के मतदाता और 5 साल और 10 साल पहले के मतदाता। ये मतदाता जो आज के हैं, जिनको ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। ये हम नहीं भूल सकते जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, और 14 महीने बाद मैंने तो ये खुले रूप से कहा और फिर से कह रहा हूँ, जिन शासकीय अधिकारी